ठीक है। हमें अभी क्या करना है, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सिर्फ राइट क्लिक प्लेन, प्लेन मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ऑल टच यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे प्लेन मेरे पास यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ यूवी में, यूवी में मेरे पास यहाँ पे देखो स्प्लेंडर और प्लेंडर है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लान यहाँ पे कर सकता हूँ। देखो पहले से यहाँ पे यूवी निकला हुआ है। ठीक है, अभी सपोज मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, इसको मैंने साइड में लिखा यहाँ पे। ठीक है, फोकस कर दो यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो इसका यूवी सपोज मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चेंज करने का मतलब क्या कि लाइक मैं यूवी पे गया, प्लानर पे गया, प्लानर में मेरे पास ऑप्शन मिलेंगे क्या, एडिट पे गए, रीसेट, ठीक है, अप्लाई करो, एक्स पे अप्लाई किया, ये देखो ऐसे लाइन है, तो समझ जाना कि वो सही नहीं है। ये समझने वाली बात है। जैसे मेरा मॉडल है, जैसे मेरे सेगमेंट है, जो शेप है, वो शेप मुझे यहाँ पे यूवी में दिखना चाहिए, तो सही आएगा। वाई पे चाह के चेक करो तो वाई पे ठीक आ रहा है। देख लो आप यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट यहाँ पर आ रहा है, बाउंडिंग बॉक्स आपका कहाँ पर जा रहा है। इसी में कुछ ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या मैनेज कर सकता हूँ। देखो पूरा पूरा ग्रेड आपके यहाँ पे मैनेज हो रहा है। जेड पे करके देखो जेड में कैसा आ रहा है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक्स ठीक है, वाई ठीक है, जेड ठीक है। ठीक है, तो अगर देखो तो एक्स और जेड तो ठीक आ नहीं रहा, तो वाई पर हम लोग अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट होता है। दूसरा एक पार्ट होता है, कभी कभी जैसे वी एफ एक्स में काम करते हैं, वी एफ एक्स में जैसे आपको इसी कैमरे के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, तो कैमरे बेस्ड यहाँ पे यूवी निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं कैमरा करूँगा उस कैमरे के अकॉर्डिंग, देखो ये मेरे पास कैमरे यहाँ पे, तो मैंने ऐसे इसके अकॉर्डिंग मेरे पास यूवी चेंज हो रहा है। ठीक है, बात समझो। तो ये कैमरे का पार्ट होता है, कैमरे के एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन मैपिंग में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हमें अभी क्या करना, बेसिक में जाना, तो वाई पे मैंने काम किया, वाई पे मेरे यहाँ पे काम हो गया। तो ये मेरे पार्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, एंड मैंने यहाँ पे सिंपल एक लैम्बर्ड असाइन कर दिया यहाँ पे। बाई डिफॉल्ट चेकर्स होता है, एक बाई डिफॉल्ट चेकर्स हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे चेकर्स मुझे दिखेगा। ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी एक चीज़ और भी दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको एक पार्ट और फोकस कर दिया मैंने। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक असाइन, जैसे मैंने एक न्यू मटेरियल असाइन कर देता यहाँ पे, मैं यहाँ पे गए, ठीक है, सरफेस पे, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे किया बिलियन असाइन कर दिया यहाँ पे मैं कोई इमेज यूज़ कर सकता हूँ। इमेज में लाइक क्या, जैसे मैं यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसे कुछ अगर मैं यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा पार्ट ऐसे दिखेगा, तो साइनिंग दिख रही है यहाँ पे, साइनिंग को आप काम कर सकते हो। जिससे मतलब ब्लेन लिया ना, ये ब्लेन से हमने यहाँ पे काम कर दिया। तो आप अगर आपको कभी सिंपल एक टेक्स्ट उठा के कहीं लगाना हो, तो आप ऐसे भी करके यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, तो मेरे पास यहाँ पे पूरा पार्ट यहाँ पे दिखेगा कि भाई मैंने ऐसे टेक्स्ट का कुछ पार्ट ऐड ऑन किया। तो ऐसे भी कुछ मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे मैं कुछ इसमें थोड़ा सा डेप्थ भी देना है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैं कुछ अगर कुछ इस टाइप के मॉडल में भी मुझे कुछ काम करना, तो मैं इसमें डेप्थ का पार्ट भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। एक सिंपल सा पार्ट ये है, एक मैं एक छोटी सी टेक्निक आपको बता देता हूँ। देखो ठीक है ना, दस टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं यहाँ पे। मैपिंग में भी क्लियर है, सेफ्ट इंसर्ट एज लुक टूल यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने क्या क्या ये देखा, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे दिया मैंने। ठीक है, लाइक मॉडल बेस्ड भी हम लोग मॉडल के साथ साथ भी हम लोग टेक्स्ट के साथ साथ भी हम लोग मॉडलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी इतने पार्ट में हुआ क्या, अगर मैं देखो यहाँ पे टॉप पे गया, यहाँ पे फोकस किया मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो देन आपको इतना पार्ट मैंने प्रॉपर सपोर्टिंग में काम कर दिया यहाँ पे। और आप इतने से इतने पार्ट को सेलेक्ट करके आप सिंपल सा पार्ट आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे। सिंपल सा पार्ट एक्सट्रूड आप अंदर की तरफ कर दो आप यहाँ पे, ये देखो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा डेप्थ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे डेप्थ दिखेगा तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, आप लाइटिंग वेटिंग करके दिखाओ तो आपका डेप्थ यहाँ पे विजुअल है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से टेक्सचर थोड़े से अलग आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन टेक्सचर इस वाले फेसेस को उठा के, जैसे यहाँ से यहाँ तक पार्ट है सेलेक्ट किया, यूवी पे गए, प्लानर कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसका भी देखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे यूवी पे गए, यूवी एंड क्या किया मैंने यहाँ पे, प्लानर एक्सिस आपको चेक करना है भाई यहाँ पे आएगी ना, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस पे, एक्स पे आ रहा है, जेड पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, देखो जेड पे आ रहा है ना पे। तो आप इसको आप आराम से ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, शेप को हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। भाई ये पार्ट मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ये कहाँ वुड पे, तो वुड पे लेके आ जाओ। ये समझने वाली चीज़ है कि लाइक आप कैसे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। और ये ज़्यादा लेकिन अगर आपको दिखना है तो यहाँ पे कंट्रोल लाइन स्पेस पर टेक्स्ट ऑन कर लो, आप टेक्स्ट देखिएगा आपने, भाई मुझे टेक्स्ट कहाँ पे चाहिए, मैंने आर प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, रोटेशन है सिर्फ रोटेशन, रोटेशन क्लॉक वाइज, तो आप ऐसे करके भी आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ पे सेट कर दिया, तो देन अभी आप यहाँ पे चेक करो तो ये भी आपका एक मेथड आ गया कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहो तो कनेक्टिविटी आपको चाहिए दिखेंगे कि अगर मुझे ऐसा कुछ काम करें तो मैं ऐसे कुछ दिखा देता हूँ, तो अलग नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो। एक ये था प्लानर, कि प्लानर मैपिंग हम लोग करते कैसे।
ऐसे सेम आप बाकी चीज़ों को भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके हम लोग प्लान मेथड कर सकते हैं।